यस्विनावधीतमस्तु माविद्विशावहि ओम शांति 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 ही वैदिक जीवन पद्धति किस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं जिनमें एक सौ सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय हमने किया था आज हम एक सौ सूक्त के ग्यारहवें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे बहुत ही सुंदर मंत्र है मधु कोश क्षरण हम प्राण साधना से उत्तम मार्ग से धन कमाने वाले बनते हैं परा विद्या को प्राप्त करते हैं और दृढ़ निश्चयी स्तोता बनते हैं ऐसा जीवन जो वास्तव में दिव्यता का आधान किए होता है इस जीवन की जो उपयोगिता है जगत के कल्याण के लिए मोक्षार्थम जगत हितायचा अपने कल्याण को भी ध्यान में रखना है और जगत के कल्याण का भी ध्यान रखना है इस बात को जो जान लेता है वह कभी विचलित नहीं होता है कभी भूलता नहीं है उस परमात्मा को कभी भटकता नहीं है इस विषयों के जंगल में इस घनघोर वातावरण में घनघोर जंगल में जहां पर लोग भटक जाते हैं वहां वो भटकता नहीं है क्योंकि प्राण साधना के द्वारा योग साधना के द्वारा योग विद्या के द्वारा वह अपने आप को संयमित कर लेता है बहुत ही सुंदर मंत्र है मैं प्रथम इसको लिखता हूं फिर आपके बीच में इसकी चर्चा करूंगा ओम या भी ही सुदानु सुदानु ओशिजाय तो अवशिजा वणिजे दीर्घस्रवसे मधुकोशो अक्षर मधुकोशो अक्षरत कवि क्षंत स्तोतारम कवि क्षंतम स्तोतारम या भी या भी या भी रावतम ताभिरु 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 शु उत भी रश्मिना गतम ओ अश्विना गतम बहुत सुंदर बात कही है ओम याभि सुदानु औषजा वाणजे दीर्घ मधु कोशो अक्षर कवी क्षंतम स्तोतारम याभि रावतम ताभीरु शू ऊतभी रश्विना गतम ओम याभि सुदानु औषजा या वणिजे दीर्घस्रवसे अक्षरत् कवीक्षन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिरुषु ऊतभिरश्विनागतम् ओ याभिः सुदानु औषिजाय वणिजे दीर्घस्रवसे अक्षरात् कवि क्षंतम स्त्रोतारम यावतम ताभी मंत्र का अभिप्राय समझने का प्रयास करते हैं कहा है कि हे अश्विना हे प्राण अपानो आप ताभी ऊति भी उन रक्षणों से वो निश्चय पूर्वक सु उत्तमता से जो ऊ होता है वो निश्चयता के लिए होता है निश्चित हम करते हैं निश्चय करते हैं कि यह उत्तमता से जो सु का प्रयोग करते हैं सुंदर सुवासित सुरभित उत्तमता से हमें आगतम प्राप्त हो ये प्राप्त हो या भी जिनसे आप धन धन कामना वाले और धन प्राप्ति के लिए पूर्ण प्रयत्न करने वाले व्यापारी के लिए सुदानु उत्तम धनों को देने वाले हो प्राण साधना से मनुष्य की वृत्ति उत्तम बनती है और वह न्याय मार्ग से ही धन कमाता है ये संसार का नियम है जितनी ईमानदारी की कमाई होगी जितना हम ईमानदार होकर के जीवन को जिएंगे, उतना जो धन है वो हमारे सदगति के काम आएगा हमारे कल्याण के लिए होगा और यदि हमने उत्तमता से न्यायपूर्वक धन को नहीं कमाया यदि हमने विवेक पूर्वक धन धन को नहीं कमाया केवल धन की लालच में हमने पाप कर्म कमा डाले लोभ की प्रवृत्ति से व्यक्ति पापी बन जाता है और धन कमाने के लिए लोग पाप को भी अपना लेते हैं पाप के रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उनका धन कभी भी उनकी सदगति को नहीं प्राप्त करा सकता है संसार में हमको स्मरण रखना चाहिए कि धन कितना भी हो जाए जिस दिन हम इस धरा से जाएंगे वो सारा धन धरा का धरा रह जाएगा इसलिए लोग कहते हैं कि व्यक्ति का निधन हो गया धन कितना भी रहा हो लेकिन जब जाता है व्यक्ति संसार से तो निधन हो जाता है निर्धन और निधन स्थिति में पहुंच जाता है इसलिए हमारे साथ शुभ कर्म ही जाएंगे ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके मुश्किल पड़े तो राह हमें कुछ काम आ सके मुश्किल जब पड़ जाती है तो वह राह में कुछ काम आए ऐसा धन के जाना चाहिए नहीं तो संसार में यही सब कुछ धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कुछ का वक्त आएगा पत्नी भी तेरा साथ देगी गृह द्वार तक मित्रगण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी बाद में सच्चा सखा तेरा केवल धर्म ही रह जाएगा, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, दो गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा सिकंदर के विषय में बात आती है कि सिकंदर सारे संसार का अधिपति बनना चाहता था सारे संसार में विजेता बनना चाहता था इस क्रम में उसने भारत वर्ष में भी आकर के आक्रमण किया भारत वर्ष के कई भागों पर आधिपत्य जमाया जब उसका अंत समय आया धीरे धीरे वह बीमार होने लगा और वापस गया जब मरने लगा तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया अपने निकट संबंधियों को बुलाया और उसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है उसकी जरूर पूर्ति करना आप क्या अंतिम इच्छा है कि वह सिकंदर जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बलवान धर्मान शक्तिमान बनना चाहता था जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान बनना चाहता था आज वह संसार से विदा हो रहा है तो संसार से कुछ लेकर के नहीं जा रहा है मेरे दोनों हाथ मेरे कफन के बाहर रख देना बाहर ही मेरे हाथ हो ताकि लोग ये ना समझे कि सिकंदर यहां से गया और कुछ लेकर के गया संसार से हम कुछ ले नहीं जा सकते जनाजा निकल जाए तो लोग देखें कि सिकंदर वास्तव में खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है ऐसे संसार में कितने बड़े बड़े लोग आए कितने बड़े बड़े लोग चले गए इस संसार से लेकिन कोई भी संसार के उससे कुछ ले नहीं जा सकता है तो धन भी कमाना है लेकिन न्याय पूर्वक धन कमाना है हम रोज प्रार्थना करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में बोलते हैं वयम श्याम पतयो रे हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी हों में, हम निर्धन होकर के लाचार होकर के बेचारा जीवन न जिए सबल होकर के शक्तिमान होकर के उत्साह से युक्त होकर के धनवान बलवान बुद्धिमान ऐश्वर्यवान होकर के जीवन जिए कोई इसमें बुराई नहीं है जीना चाहिए धन भी कमाना है ऐश्वर्य भी कमाना है यश कीर्ति भी कमानी है लेकिन न्यायपूर्वक धर्मपूर्वक पुण्य से युक्त कमाई हम कमाए जो हमारे साथ जाने वाली है अर्थात हमारे साथ शुभ कर्म जाएंगे शुभ संस्कार जाएंगे और कुछ भी हम यहां से संसार से ले नहीं जा सकते हैं इसलिए संसार का जो धन है वो यही रह जाएगा हम अपने जीवन को सुंदरता से कुछ लोग इतना मिलावट करते हैं मिलावट से सारी चीजें दुगने दाम में बेचते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं किसके लिए धन के लिए वे नादान इस बात को नहीं जानते हैं कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वह हमारे ही जीवन में आने वाला है हमारे ही संस्कारों में आने वाला है हमारा ही उससे कल्याण होने वाला है हानि होने वाली है लोग मिलाते हैं मिलावट करते हैं। जमाना है मिलावट का मिलावट खूब होती है बचीना कोई चीज खालिश की बीजों में मिलावट है ये हिलते दांत, ये धुंधली आंख यू फरियाद करते हैं कि मंजन में मिलावट है अंजन में मिलावट है धड़ाधड़ गिर रही बिल्डिंग जरा ये भी कभी सोचो मकानों के मसालों में मिलावट ही मिलावट है कहा बीमारियों ने आओ मिल के करे हमला कि अब नहीं कोई नहीं खतरा दवाओं में मिलावट है मिलावट का यह संसार चल पड़ा है और मिलावट क्यों होती है धन की कमाई के लिए धन जो एक साधन के रूप में हमको मिला है अर्थ के बिना सब व्यर्थ है अनर्थ है यह सत्य है लेकिन अधर्म से किया हुआ इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष धर्म को पहले गिनते हैं धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ होना चाहिए सुख से मूलम धर्म धर्म से मूलम अर्थ ये बात आचार्य चाणक्य ने कही है हम सदा इस बात का स्मरण रखें कि कभी भी इससे विपरीत आचरण ना करें कभी भी हम धन के लोभ में किसी के जीवन का हरण ना करें कभी भी धन की लालच में हिंसा ना करें झूठ ना बोलें। रेप ना करें जाल साजी ना करें चार सौ बेसी का काम ना करें तो यहां पर यह बात कही है कि जो प्राण साधना करता है प्राणायाम करता है योग ध्यान करता है वो सदा ईमानदारी का ही जीवन व्यतीत करता है और उत्तम साधनों से धन को कमाता है न्याय पूर्वक धन को कमाता है अगली बात क्या कही हमें उन रक्षणों को प्राप्त कराओ जिनसे हम दीर्घ स्रव से अत्यंत प्रवृद्ध जान वाले के लिए मधु कोशा मधु विद्या ब्रह्म विद्या का कोश जो अक्षर टपकता है प्राण साधना से बुद्धि तीव्र होकर के उस परा विद्या को ग्रहण करती है जिससे कि अक्षर अर्थात उस ब्रह्म का जान हो जाता है प्राण साधना ही योग साधना ही योग विद्या ही हमको इन व्याधियों से आधियों से समाधि क्यों ले जाती है और समाधि में ही समाधान है योगा समाधि योगवृत्ति निरोधा योगा समाधि समाधि और समाधानम आधि और व्याधि से बचने का मानसिक और शारीरिक रोगों से बचने का क्या उपाय है वो है समाधि प्राण के द्वारा यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का यदि हम अनुष्ठान करते हैं अष्टांग योग का अनुष्ठान करते हैं तो जीवन हमारा बहुत सुंदरता से दिव्यता से परिपूर्ण हो जाता है केवल यह सुनने की बात नहीं कहने की बात नहीं है जीवन में अप्लाई करने की बात है जीवन में उतारने की बात है और क्या कहा कि मधुकोशा यह अमृत जो अक्षरत नाक्षरम नाक्षरम जो क्षरण को प्राप्त नहीं होता तो प्राण साधना से बुद्धि तीव्र होकर के उस सूक्ष्म ज्ञान को सूक्ष्म ब्रह्म के ज्ञान को आत्मसात कर लेता है हे प्राणापानो हमें उन रक्षणों के साथ प्राप्त हो या भी जिन रक्षणों से आप कक्षीवंतम बद्ध कक्ष कटिबद्ध दृढ़ निश्चय बोले कि ये बहुत कटिबद्धता है इसके अंदर जो दृढ़ निश्चय स्तोता को आवतम रक्षित करते हो अवरक्षण दृढ़ निश्चयी स्टोता जो संकल्पबद्ध है जो विकल्प रहित संकल्प में जीवन को जीता है जो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ पूर्वक जीवन को जीता है वही स्तोता स्तुति करने वाला प्रभु दर्शन के बिना जो रुकता नहीं है कार्यम वासाधेयम् देहम वापातेयम् कि अब कार्य की सिद्धि होगी या देह का पतन हो देह का अंत होगा कभी भी अपने संकल्प से जो विमुख नहीं होते हैं वही दीर्घ काल तक पूर्वक आदर पूर्वक प्रभु का स्तवन करते हैं प्राण साधना के अभाव में मनुष्य निर्विन्न होकर के उपासना के को जो है बीच में ही छोड़ देता है खिन्न हो जाता है जो प्राण साधना का अभ्यास नहीं करता है प्राण साधना के बिना कभी भी व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है प्राण साधना से ही इसे कक्षिवान दृढ़ निश्चय बनाना और अपने आप के जीवन को सुंदरता से परिपूर्ण करना चाहिए यही जीवन जीने की कला है इस जीवन को जी करके ही व्यक्ति अपना और संसार का कल्याण कर सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है संसार में लोग बोलते हैं कि क्या करें हम प्रयास तो करते हैं लेकिन हमारा मन मानता नहीं है मन को और अपने तन को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है और वह उपाय है पुरुषार्थ पुरुषार्थ के बल पर व्यक्ति संसार को जीत सकता है और कभी भी इस दुनिया के जो षडयंत्र उसमें कभी नहीं फंसता है क्योंकि दुनिया तो रंग रंगीली है दुनिया के जो आकर्षण है उनसे बचने का उपाय है योग साधना क्योंकि कहा है यह दुनिया रंग रंगीली है यह दुनिया रंग रंगीली है अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है यह दुनिया रंग रंगीली है यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है यह ऐसा जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है यह दुनिया रंग रंगीली है यह दुनिया रंग रंगीली है मिले यही सतपुरुष यही पर बुरे लोग भी मिलते हैं जिस दहनी पर काटे उगते वहीं पे फूल भी खिलते हैं कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है ये दुनिया रंग रंगीली है जी दुनिया रंग रंगीली है कभी गगन पर गहरे दुख की घोर घटाए छाती है कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं, आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है यह दुनिया रंग रंगीली है यह दुनिया रंग रंगीली है लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखाती है होनी होने से रह जाती अनहोनी हो जाती है पते कि किसी ने राज न जाना ऐसी छबीली है यह दुनिया रंग रंगीली है यह दुनिया रंग रंगीली है अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है यह दुनिया रंग रंगीली है तो इस दुनिया के बहकावे में नहीं आना अपने जीवन को यदि महकाना है इस जगत को अपने शुभ कर्मों से महकाना है तो प्राण साधना के द्वारा हम जीवन को महकाएं। और सुगंधित, सुरभित, विकसित विलसित अनुशासित मर्यादित जीवन जी करके हम अपना अपने का अपनों का और अपने संसार का बृहत्तम उत्तम सर्वोत्तम कल्याण कर सकते हैं ऐसा हमको बिल्कुल निश्चय होना चाहिए दृढ़ विश्वास होना चाहिए तभी जीवन का कल्याण होगा तो इस कल्याण की भावना से शुभकामना से हम ओत प्रोत रहें यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ओ शांति शांति शांति